ये आपका सही नहीं बचता, कभी बक्से लगे रहते हैं और सटअप बजाया जाता है, कभी खराब भी बच जाता है। तो लेफ्ट और राइट इस दोनों में तुमको क्या सब सेट करने के बाद क्या आपकी सब मशीनें बंद हो गई। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इशारा करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई एक बीट लगा लेता, मैं आपको बीट सुना रहा हूँ, बीट सुन लीजिए, इस बीट का रीजन क्या होता है। दोस्तों मैं डीजे मर्जी और मैं काफी दिन बाद आपको वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं डीजे की वीडियो दोस्तों बनाया करता था और काफी अच्छी वीडियो आया करती थी जिसमें काफी सारी आपको जानकारी मिलती थी। फिलहाल मैं अभी इस समय बैठा था तो मैंने थोड़ा समय निकाला है, क्योंकि जैसे आपको पता है काफी सारा लगन चल रहा है इस समय, काफी दोस्तों हमारे पास काम चल रहा है। जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास छतर का, डीजे का, ये सब काम है, हमारी आवाज से भी पता चल गया होगा। फिलहाल आज मुझे मैंने समय लेके मैं आपको मैंने फायदे की चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो भाइयों को नहीं पता, जो भाइयों को पता है वो बात अलग है। आज मैं बात करने वाला हूँ, थंबनेल में आप लोगों ने दोस्तों देख ही लिया होगा कि जो बड़ा बड़ा डीजे लगता है, बड़ा बड़ा जो सेटअप लगता है, या आपके पास सेटअप है, आप 4-15 दो बेस या 4 टॉप दो बेस ये सब लगाते हैं दोस्तों, रीजन यह हो जाती है दोस्तों कि आपको भी पता होगा जो होता है डीजे आपका सही नहीं बजता। और काफी बड़े बड़े मैं वीडियो बनाता हूँ जैसे आप लोग देखते हैं, काफी सारी वहां मशीनें लगी रहती हैं, काफी सारी स्ट्रिंजर मशीन लगी रहती हैं, इच्छप लगी रहती हैं, काफी बक्से लगे रहते हैं और सेटअप बजाया जाता है, कभी खराब भी बज जाता है, कभी अच्छा भी बजता है। उसका रीजन यही धर्म होता है कि कभी आपकी मशीनें मैच हो जाती हैं, कभी मशीनें मैच नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं कि मैच ना मैच होने का कारण जो है मुद्दा, ये धर्म होता है जब कभी आप सामान खरीदते हैं किसी एक को पकड़ के आप नहीं चलते, एक ब्रांड को नहीं चलते। कभी आपने कोई कंपनी लिया, कभी आपने कोई कंपनी लिया, कभी कोई लिया, आपके पास एक मिक्स काफी सारा आइटम हो जाता है दोस्तों, जिससे आप लोगों का मैचिंग कभी कभी सेटअप हो जाता है, कभी कभी मैचिंग सेटअप नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे आपने एक आहूजा की मशीन आपने ले ली और आपने एक स्टूडियो मास्टर ले लिया, आपने ये कंपनियां ले ली। मान लो मैं आपको बताता हूँ, आपने एक स्टूडियो मास्टर 6.0 ले ली, आप एक तो ले लो 3502 आहूजा की, एक आहूजा ले लो 1500 वाट। दोस्तों इनको कभी कपलिंग करके देखना, ये क्वालिटी आपकी बिगाड़ेंगी, कभी मैच नहीं हो पाएंगे। जिन भाइयों को पता है वही मैचिंग कर पाता है, जो भाइयों को नहीं पता वो कभी भी मैच नहीं कर पाता। इसका रीजन ये होता है दोस्तों कि उसको जानकारी नहीं होती, जिससे वो मैच नहीं कर पाता। अब हम बात करते हैं हमको कितने औंस में बजाना है। अगर हमको 2 औंस में बजाना है तो हमको सिर्फ 2 औंस में आपको अपने हिसाब से सिस्टम बना लेना है। जो एचएफ बजाते हैं दोस्तों, जो अब इसमें एचएफ की ट्रेनिंग चलती है, जो हम लोग 500 स्टेंजर का काम करते हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाया है स्टेंजर का, आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल मैं अगर एक थोड़ा बना दूंगा तो दोस्तों, कभी भी आप मिक्सर यूज कर रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ चलती है स्टेंजर, बहुत ट्रेंडिंग में चलती है मिक्सर हमारी, तो जैसे टेंडर आप जैसे स्टेंजर की मिक्सर आप लोग लेते हैं तो दोस्तों उस मिक्सर में क्या करना, एक होता है रेप, एक होता है राइट। तो लेफ्ट और राइट इस दोनों में तुमको क्या करना है, आपको रेप्ट में बेस डाल लेना है, राइट में आपको टेबल डाल लेना है, ठीक दोस्तों। या आपको एक में डालना बेस, एक में डालना टॉप, तो भी चलेगा। अब हमको क्या करना है कि जो हमारा बेस वाला होता है और जो एचएफ वाला होता है, एचएफ को हम पहले बंद कर देते हैं। पहले हम अपने सबसे पहले बेस जो होती है, बेस आवाज, इसको सेट करते हैं। कैसे सेट करेंगे मैं बताता हूँ। मैं आपको लेके चल रहा हूँ, जैसे मेरे वीडियो में देख रहे हैं आप, एक ले ली अपने स्टूडियो मास्टर 6.0 ले ली हमने मान लो। दूसरी मशीन हम लेते हैं दोस्तों, ये दर में आहूजा 3502, ठीक दोस्तों। फिर तीसरी लेते हैं आहूजा 1508, जो आपको 3 वॉल्यूम वाली होती है ये वाली। और फिर हम लेते हैं एक ट्यूटर के लिए 500 वाट स्टेंजर। अभी हम स्टेंजर से मतलब नहीं रखेंगे, फिर अपनी बेस क्वालिटी हम लोग आपको पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले हम स्टूडियो मास्टर अपने खोलेंगे, इसको हम बजाएंगे, ये सही आप लगाएंगे, लाल लाल में तार, काला काला में, यानी रेड और ब्लैक दोनों तार आपको सेम लगा देंगे दोस्तों। ये दर में दोस्तों क्या होता है कि आपका डीजे सही बजता है। अब बजाने के बाद आपको उसको मशीन को बंद कर देना है। फिर दोस्तों आपको जो फिर खोल लेना है 3502, इसको भी अपना बजा लेना है, पूरी बेस, पूरे वॉल्यूम सब इसको भी सेट कर लेना है। फिर इसके बाद दोस्तों इसको भी हम बंद कर लेते हैं। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं अपना 1500 वाट में। 1500 वाट में दोस्तों हमको क्या करना है, उसका भी हमको बेस,
आप और आवाज ट्यूटर उसको भी अपने जो भी कैबिनेट पड़ी है उसको भी सेट कर लेना है। सब सेट करने के बाद क्या आपकी सब मशीनें बंद हो गई। अब उसके बाद आप क्या करिए दोस्तों, किसी भी एक आप अपने चेला को, ऑपरेटर को, किसी को, बंदे को आप मशीन के पास भेज दीजिए। भेजने के बाद दोस्तों उससे बोलिए कि पहले आप बड़ी मशीन ऑन करेंगे, फिर दूसरी ऑन करेंगे, फिर तीसरी ऑन करेंगे आपको, और उसके बाद एचएफ वाली हम बाद में सेट करेंगे। ये तीनों मशीन को हमको ऑन करनी है, मगर कैसे आपको दूर से इशारा करेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कोई एक बीट लगा लेता, मैं आपको बीट सुना रहा हूँ, बीट सुन लीजिए, इस बीट का रीजन क्या होता है। उससे बहुत लोग देखते होंगे, नए लोग होंगे, कि बीट के क्या करते हैं, इस बीट से कोई ऐसा आवाज नहीं सेट करते। इससे मालूम हो जाता है दोस्तों कि हमारी एक किक होती है, एक बीट होती है। अगर बीट आपको देखना लेना है तो मेरे टेलीग्राम का मैं लिंक डाले दे रहा हूँ, टेलीग्राम में आप लिंक हमसे फॉलो कर लेना, यहाँ से आपको ये बीट मिल जाएगी दोस्तों। अगर आप यहाँ से फॉलो करोगे तो वहां से मिलने वाली है दोस्तों। इंस्टाग्राम में भी आप डीएम करेंगे तब भी मैं आपको इंस्टाग्राम में भी आपको लिंक दे दूंगा दोस्तों, ठीक ना। अब दोस्तों पहले क्या करना है, जो आप हैं, जो आपने आप कनेक्शन किया, आपको डीजे के पीछे चले जाना है। पहला वाला जैसे बेस आप मशीन ऑन करोगे, आप स्टूडियो मास्टर 6.0, तो आप दोस्तों देखोगे कि आपका डीजे बज रहा है, बढ़िया बज रहा है, आवाज भी है, बेस भी अच्छी है। उसके बाद आपको खड़े होना है, मन धन सब कुछ अपने सेटअप में लगाना है, ना किसी और को। उसके बाद जैसे आप दूसरी मशीन आपको ऑन करेंगे दोस्तों, 3502 को जैसे ऑन करेंगे दोस्तों, तो आपको ये देखना है कि हमारी पहले से ज्यादा जो बेस की क्वालिटी है वो बढ़ी है या कम हुई है। हाँ दोस्तों, पॉइंट यही दरमी है। ये हमारी जैसे आपको ना समझ में आए, आप लड़कों को इशारा करिए, वो मशीन आपकी 3502 ऑन करेगा। पहले आपकी मशीन जो है 6000 वाट ऑन है, बज रही है, उसको भूल जाओ। 3502 का जैसे खटका ऑन करेगा दोस्तों, तो आपको मन लगाना है कि हमारा बेस बढ़ा है कि ये घटा है। अगर ये बेस बढ़ रहा है दोस्तों तो आपकी मशीन एम्पलीफायर मैच है। अगर आपको लग रहा है कि इसकी वाइब्रेट और जो बेस की क्वालिटी है ये मुझे लग रहा है पहले से ज्यादा कुछ कम हो गई है, आवाज तो बढ़ गई मगर क्वालिटी कम हो गई, तो आपकी मैच नहीं है। और फिलहाल मैं बता देता हूँ, अधिकतर जो मशीनें है दोस्तों पुरानी मशीनें हैं, वो जितने मशीन 3502 लोगे आप स्टूडियो मास्टर से नहीं ना मैच। मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे मैच कराएंगे, कि जब 3502 को आप लड़कों से कहना है कि लाल की जगह काला, काला जगह आपको लाल, ये दो तार बदल देना है। कहाँ से बदलेंगे, जहां पर से आपने पीछे कनेक्शन किया है मशीन का, तो वहां पर लाल काला, काला में लाल, दोनों को आप जो है, दोनों जो आपका रेप राइट होता है जो मशीन में दो चैनल की होती है, दोनों के तार आप बदला दीजिए। और दोस्तों फिर मशीन को ऑन करिए, पहले आपकी 6000 वाट, फिर आपकी 3502। जैसे ऑन करोगे दोस्तों देखना आपका बेस बढ़ जाएगा, यह रियलिटी है, मैंने भी चेक किया है। अगर पुरानी मशीन है ये आपकी मैच हो जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, फिर उसके बाद हमको चलना है तीसरी मशीन में, आवाज को कम कर लेना है या ज्यादा आपको मन में सुनाई दे बस उतना कर चलना, वही भीड़ बसती रहेगी। फिर तीसरी मशीन ऑन करोगे दोस्तों तो वहां पास आपकी मशीन नहीं मैच करेगी जो आपकी 1500 वाट है। अगर आपकी बेस खोलने के बाद बेस आपकी कम हो रही है, क्वालिटी कमजोर कर रही है, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, उसका रेप राइट तार उसका भी आपको बदल के लेना है, वो मशीन आ जाएगी, आपका बेस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा दोस्तों, यकीन मान। अभी नहीं भी नहीं आ रही, क्योंकि ऐसा होता है जो अगर आपकी बहुत पहले की 2 साल पहले की एम्पलीफायर खरीदी है 1500 वाट, तो नहीं आएगी अभी भी, अदर में मशीन नहीं आने वाली। 1500 वाट आपकी कला जरूर दिखाएगी, वो नहीं मैच करेगी, जैसे ऑन करोगे उसको बेस कम हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी, और अगर आप मशीन को बंद करोगे तो बेस बढ़ जाएगी। तो बेस कुछ परेशान होने वाली बात नहीं ना, एक पेचकस लेना, पीछे जाना जहां पर कपलिंग लगाते हैं वहां पास होगा 1.25, एक होगा आपका 2.50 या 2.25 लिखा होगा, जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है हमको, इसको सरका के आपकी इसकी रेंज कम ज्यादा कर लेना है, अगर ज्यादा में है तो उसको कम में कर लेना है, कम में है तो उसको ज्यादा में कर लेना, ये आपकी मशीन मैच हो जाएगी। अगर कम में करेंगे तो इसकी आवाज जो होगी दोस्तों वो कम हो जाएगी, तो आपको इधर में क्या करना है, आवाज का वॉल्यूम आपका 8 नंबर तक वो चढ़ेगा, आवाज आपको खोलना पड़ेगी। तो दोस्तों इस मेल से ये मैच होगा, या अगर ना समझ में आए वीडियो दोबारा देख लेना दोस्तों। दोस्तों अगर ये ठीक पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर कर देना,
ये आपके बहुत फायदेमंद है। इसी मेल की वीडियो मैं देता रहूंगा, भले मैं बिजी हूँ दोस्तों अपने काम में, मगर आपको मुझे कोई बड़ा स्टूडियो नहीं, मेरे पास यहीं पर बैठ के भी आपको मैं एक अच्छे से अच्छी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलता हूँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, फिर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं दोस्तों। चलता हूँ दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो तक। जय हिंद, जय भारत।